हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही होगी या प्रोपेगेट कर रही होगी तो वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है। वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो हम एनर्जी डेंसिटी निकालें, मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, तो वो आती है एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर या बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आती है। और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आर एम एस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझेंगे। जब भी कोई वेव ट्रेवल कर रही होती है या प्रोपोगेट कर रही होती है, अगर उसके हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर कोई यूनिट एरिया ले लें, तो उस पर जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फॉल होती है वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन ए प्लेन सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, अगर उसके परपेंडिकुलर हम कोई एक सरफेस रखें, उसके यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है वो इंटेंसिटी ऑफ द वेव कहलाती है। आइए देखें इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ वेव, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। मींस जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस कहलाएंगे ये वेव चल रही है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर हम एक यूनिट एरिया ले लें तो इस पर जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम फॉल करेगी वो इंटेंसिटी कहलाएगी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव, उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। लेट अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद स्पीड सी एंड लेट वी कंसिडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ सी इंटू डेल्टा टी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। द एनर्जी कंटेंड इन दिस सिलेंडर विल क्रॉस दिस एरिया इन टाइम डेल्टा टी। हमने कंसीडर कर लिया कि एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड सी से जा रही है, और हमने कोई एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया है जिसकी लेंथ सी इंटू डेल्टा टी है, जिसकी लेंथ सी इंटू डेल्टा टी है, और अब इसके इस वॉल्यूम से टी टाइम में जितनी एनर्जी क्रॉस होगी वो इंटेंसिटी हमें बताएगी। हमने कंसीडर कर लिया कि कोई एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्सिस के अलांग जा रही सी स्पीड से जा रही है। हमने कंसीडर कर लिया सिलेंडर जिसकी लेंथ सी इंटू डेल्टा टी है, जिसका एरिया ए है और जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है। तो डेल्टा टी टाइम में इस वॉल्यूम से जितनी एनर्जी पास होगी वो इंटेंसिटी को मेजर करेगी। आइए देखते हैं द एनर्जी कंटेंड इन द गिवन वॉल्यूम। अब अगर इस टोटल सिलेंडर में हमें एनर्जी निकालनी है तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है उसको हम एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो कैपिटल यू इक्वल टू स्मॉल यू इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस और इंटू लेंथ। ये तो आपका हो जाएगा स्मॉल यू इंटू ए इंटू एल। स्मॉल यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। ए इंटू एल क्या है? वॉल्यूम है। तो हो जाएगा ए और एल हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव की हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो हो जाएगा आई इक्वल टू यू इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ए डेल्टा टी ए डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल टू आ जाएगा यू इंटू सी। इसका मतलब ये हो गया, अगर एनर्जी डेंसिटी को हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा वो इंटेंसिटी मिल जाएगी। अगर एनर्जी डेंसिटी को हम स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। ई नॉट स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखें तो हो जाएगा आई इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इक्वल टू बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी हो जाएगा, जहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट है।
तो आपका फॉर्मूला आ गया आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आरएमएस स्क्वायर इनटू सी इक्वल टू बीआरएमएस स्क्वायर सी अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा। यहाँ से हम देखें इंटेंसिटी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, एक जो है मैग्नेटिक फील्ड के जो है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। दस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इंटेंसिटी होती है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अब अगर हमें ई आर एम एस वैल्यू निकालना है तो यहाँ से आई अपान सी इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, वी आर एम एस निकालना है तो आई इंटू म्यू नॉट अपान सी हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम जो है वो ई और बी की आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही होगी तो कितना लीनियर मोमेंटम जो है उसके पास होगा। अगर वो पोलराइज वेव है तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा, अनपोलराइज वेव है तो केवल लीनियर मोमेंटम होगा। देखिए एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज इट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करती है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही होती है तो अपने साथ लीनियर मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करती है। इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट टोटल एनर्जी कैपिटल यू टू अ सरफेस इन टाइम टी देन टोटल लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है और किसी सरफेस को टोटल एनर्जी यू ट्रांसफर कर रही है इन टी टाइम में तो उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा पी इक्वल टू यू अपॉन सी, या पी इक्वल टू यू अपॉन सी, या P इक्वल टू यू अपॉन सी। यू क्या है टोटल एनर्जी, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। ये है कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हो जाएगा P इक्वल टू टू यू अपॉन सी, क्या P इक्वल टू टू यू अपॉन सी। ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हो जाएगा। आइए देखें रेडिएशन प्रेशर क्या है। प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही होती है किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो मोमेंटम ट्रांसफर करती है और मोमेंटम से रेट ऑफ चेंज या मोमेंटम के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है, उस फोर्स से रेडिएशन प्रेशर मिलता है, इसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। रेडिएशन प्रेशर होता है पी आर इक्वल टू आई अपान सी, क्या पी आर इक्वल टू आई अपान सी, जहाँ आई क्या है इंटेंसिटी, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये रहा आपका रेडिएशन प्रेशर, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं इनकी और इसी रेडिएशन प्रेशर की वजह से जो कमेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में उनकी टेल्स जो है अवे फ्रॉम द सन होती है। इसी रेडिएशन प्रेशर की वजह से जो सन में कमेट्स होते हैं उनकी टेल अवे फ्रॉम द सन होती है। ओके okay?